हेलो नमस्ते प्रणाम सलाम, ऑटेक इजी पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो भैया जी, मोबाइल के अंदर बाहर की हर खबर देने के लिए आपका खबरी एक बार फिर से हाजिर है। आज हम बात करेंगे नए साल पर रेडमी के आने वाले नए फोन की, जिसमें 3264 नहीं सीधा 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। अब देखिए भैया जी, कैमरा को लेकर ना हमारी एक दुख भरी कहानी है, थोड़ा सा सुन लीजिए। मम्मी कसम पकाएंगे नहीं, बस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए भैया जी, जब हम लोग बच्चा थे ना, तो ये मोबाइल और मेगापिक्सल फेगापिक्सल वाला कैमरा नहीं होता था। साल भर में एक बार फोटो खींची जाती थी, वो भी रील वाले कैमरे की वजह से, और उसके बाद भी फोटो के लिए 3 महीना इंतजार करना पड़ता था। वो क्या है ना कि रील कलकत्ता से धुलकर आता था, काहे कि हमारे शहर में ना उस वक्त साला फोटो लैब होता ही नहीं था। अब देखिए, 3 महीने के इंतजार के बाद भी फोटो आएगा कि नहीं ससुरा, ये खींचने वाले की काबिलियत पर निर्भर था। साले ने फ्लैश ऑन किया था या नहीं, या फिर लेंस के आगे उंगली तो नहीं रख दिया था, ये फोटो आने के बाद ही पता चलता था। लेकिन अब देखिए, ढाई से फोटो खींचकर फट से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डालकर लिख देते हैं फीलिंग चिल। तो भैया भौजी और जीजा फूफा, ये तो रही हमारी कहानी। अब बात करते हैं Xiaomi इंडिया के नए साल पर लॉन्च होने वाले एक धांसू फोन की, जिसके कैमरे के बारे में जानकर आपका मुंह भी मेरी हर तस्वीर की तरह खुला रह जाएगा। जी एकदम आपके गर्लफ्रेंड की कसम खाकर सच बोल रहे हैं, 5 जनवरी 2021 को Xiaomi कंपनी अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है, जिसमें 3264 नहीं सीधे 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। कंपनी ने अभी तक इस स्पेशल स्मार्टफोन के बारे में और कोनो जानकारी नहीं दी है, लेकिन हमारे खबरी ने ना अपनी जान पर खेलकर आपके लिए खबर चुराई है। उसके मुताबिक स्मार्टफोन के पीछे एक क्वाड लेंस कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसमें आप अपना फोटो खींचो या फिर अपने खानदान का वीडियो बनाओ, चाहे जो मर्जी वो करो। अब जो वीडियो टीजर कंपनी ने जारी किया है ना, उसमें एक चमकदार फ्लैश के साथ फोन चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे खबरी ने अंदाजा लगाया है कि भैया जी, स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस होगा, जो फोटोग्राफी में सबका बैंड बजा देगा। आपका एकदम अंदाज ही बदल जाएगा और आप भी गोविंदा स्टाइल में कह उठेंगे, गुरु जी ने कहा है बहुत जल्द मेरा वक्त बदलने वाला है। खबरी ने बताया है कि Xiaomi कंपनी 5 जनवरी को इस नए फोन को लॉन्च करेगी और इसका नाम MI10i होगा। स्मार्टफोन MI10 Xiaomi परिवार का नया मेहमान बनेगा। भैया भौजी, खबरी ने हमको अभी तुरंत कान में आकर फूका है कि डिवाइस को गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग पर भी देखा गया था। माना जा रहा है कि यह डिवाइस Redmi Note 9 Pro 5G है, जिसे पिछले महीने चीन में कंपनी ने लॉन्च किया था। चलिए खबरी और क्या खबर निकाल कर लाया है इस मोबाइल के बारे में, वो भी भैया भौजी और नाराज हो जाने वाले जीजा फूफा को दे देते हैं। खबरी के मुताबिक 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस होने के साथ ही इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा, जो बैक में एक कैमरा सेटअप के रूप में एम्बेड होगा। इतना ही नहीं, खबरी ने अभी कान में आकर बताया है फोन में 4820 mAh की बैटरी दी जाएगी और यह 5G से लैस होगा भैया जी। और एक बात जान लीजिए, इसमें 33 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। फोन का दाम ना भैया जी 22,000 से 28,000 रुपए के बीच में हो सकता है, ये एक अंदाजा है बस। अरे रुकिए महाराज, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही 5 जनवरी को ये फोन लॉन्च होगा ना, सबसे पहले आप तक इसका फुल रिव्यू पहुंचाएंगे। और सुनिए, ये बात खबरी नहीं, हम बता रहे हैं, ठीक है? जय हिंद। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें लाइक कमेंट शेयर करके बताइए, और अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी ऐसा अगला मजेदार वीडियो आए सबसे पहले ठीक समझे हैं आपका घंटा बच जाए।